देखिए जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, इंग्लिश की जब भी बात आए परेशान मत होना, आपका भाई हमेशा आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भृगु और तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। जी हां दोस्तों, वर्ष 2024 का आगाज हो चुका है। एसएससी ने अपनी तरफ से जो कैलेंडर में टेंटेटिव एग्जाम्स की डेट्स प्रॉमिस की थी उनमें कुछ डिले हुआ, कारण हमारे सामने है। एसएससी ने अपनी तरफ से एक नई वेबसाइट यहाँ पर कुछ अपडेट्स के साथ हमारे सामने साझा की है। ऐसे में एक इशू क्या, विद्यार्थियों के काफ़ी सारे इश्यूज मुझ तक पहुंचे और मैं भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा चिंतित ज़रूर रहा कि व्हाट कुड बी द मेन रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि कई लोगों ने ओटीआर कर लिया है उसके बाद भी उनके क्रेडेंशियल्स अब इनवैलिड बता रहे हैं, वो जैसे अपडेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, या फिर किसी विद्यार्थी का फोटो अपलोडिंग एरर आ रहा है, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो या सीपीओ का एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का सेगमेंट है। और आपको भी बताइए, नया अपडेट हमें देखने मिला है कि लाइव फोटो कैप्चर से संबंधित सारी चीजें यहां पर रहने वाली है, फोटो अपलोडिंग नहीं है। तो क्या यहां पर मेन सेगमेंट है कि ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ का कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन जो फॉर्म फिलिंग हो रहा है उसमें क्या नया अपडेट हो सकता है। बहरहाल एक चीज और यहां देखने मिली है, आपने सुन ही लिया होगा, काफी सारे एजुकेटर्स ने इस चीज के बारे में बात भी की है, वेंडर चेंज का प्रभाव क्या होगा या क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और एक बार जो लोग आ चुके हैं एक बार मैं आप लोगों से भी यहां पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे अपडेट जरूर करें कि आप में से किसी का कोई ऐसा एरर यहां पर देखने मिल रहा है, इज देयर एनी काइंड ऑफ सर्टेन एरर यू पीपल फाइंड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो पॉइंट था वो मैं यही देख रहा था। आज सुबह भी एक विद्यार्थी का मेरे पास अपडेट यही रहा कि सर मैं सुबह से इस चीज़ में पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम। देखो एक चीज़ और यहाँ पर, एक इशू बहुत इम्पॉर्टेंट और है, एक सिग्नेचर से रिलेटेड एक इशू है यहाँ पर। देखिए कई सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि पुराने सिग्नेचर्स जो एसएससी की पुरानी वेबसाइट पर आप अपलोड किया करते थे, आपके पास वही फोटो और आपने वही अपलोड कर दिया है। तो देखिए अगर ऐसा कोई इशू है तो आप एक बार नया फोटो भी, वैसे कई लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये इशू है, कई लोगों के साथ सिग्नेचर पुराने वाले एक्सेप्ट हो गए हैं और फॉर्म भी उन्होंने फिल कर दिया है, वहीं कुछ लोग पुराना सिग्नेचर का जो पिक्चर है अपलोड कर रहे हैं तो वहां पर इशू आ रहा है। एक और इशू यहां पर मैं आपको बता दूं जिसके बारे में शायद आपको पता है या नहीं, फोटो अपलोडिंग से रिलेटेड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग क्या है, देखो लाइव कैप्चर यहाँ पर पहली बार है सब लोगों के लिए, तो दो इश्यूज ये यहाँ पर देखने मिले। एक तो क्या, कुछ लोग वेबकैम से अपलोड नहीं कर पा रहे, इसीलिए एसएससी ने अपना जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से, आपने शायद फॉर्म फिल किया हो तो देखा होगा वहाँ क्यूआर कोड है, वो आपको ऐप पर ले जाता है और वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना प्लेन बैकग्राउंड हो पीछे, अदरवाइज क्या होगा कि फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर सावधानी वहां पर कैरी करनी है। सेकेंड थिंग क्या हुआ, जैसे दो तीन स्टूडेंट्स के साथ एक चीज हुई, उन्होंने मुझे ये चीज स्क्रीनशॉट के साथ भी बताई कि उन्होंने पिक्चर पहले तो अपलोड कर दिया, सही हो गया सब कुछ है ना, लेकिन जो प्रिंट आउट था उसमें उनका पिक्चर का हो सकता है शायद ये मैंने देखा था कि बाल कटे दिखा रहा था या कोई ऐसा इशू था। तो आप फाइनल प्रीव्यू जरूर लें, ठीक है, और अगर आपके साथ ऐसा, हालांकि एसएससी इस चीज पर डेफिनेटली काम कर रहा होगा, उन तक ये अपडेट चीजों के पहुंच गए होंगे, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब एडिट या मॉडिफिकेशन या विंडो करेक्शन स्टार्ट होगा तब आप उसे जरूर करेक्ट कर लेना, बिकॉज दे विल रिजेक्ट इट। उन्हें एकदम प्लेन बैकग्राउंड में विदाउट स्पेक्स विदाउट कैप फोटो चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ऐप से फोटो अपलोड कर नहीं पा रहे हैं, कैमरा स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। ये देखिए एक और इशू यहाँ पर सत्यम की तरफ से आ रहा है कि सर कैमरा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देखो सत्यम एक चीज और,
आप देखना उसको एक बार दोबारा से ओपन करके देखना, क्योंकि कल के दिन एक विद्यार्थी का यही कंसर्न था तो मैंने उन्हें यही कहा, तो उनका आज अपलोड हो गया है। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो नई चीजें होती हैं ना, तो कई सारी अपडेट्स आती हैं शुरुआत में, तो हो सकता है ये चीज है, और इस पर डेफिनेटली एसएससी काम कर रहा है ना। एक बार आप ये ट्राई जरूर करके देखिएगा, विशेषकर ये फोटो अपलोडिंग में कई सारे विद्यार्थियों के संग प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्रेडेंशियल्स को लेकर इस चीज का ध्यान रखना। ओटीआर कर रहा हूं, इंटरनल एरर लिखा आ रहा है, कुछ बताइए। देखिए भाई, इंटरनल एरर आ रहा है तो आंतरिक एरर है, एक्सटर्नल एरर नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमने अपना पूरा डेटा अपलोड कर दिया, उसके बाद जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं सारी चीजों का, तो वो बता रहा है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो नए अपडेट्स हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, नए अपडेट्स हैं। आप दूसरे टाइम पर भी ट्राई करते रहिए, ऐसा नहीं है कि ये देखो ये सबके साथ इश्यू नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कई सारे विद्यार्थी इस चीज में ऑलरेडी कैरी हो चुके हैं, जैसे 2-3 दिन से जो लोग ट्राई कर रहे थे आज उनका सक्सेसफुल हो गया अपलोडिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं बस यही कहूंगा कि एक दो बार अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेकर आप उसे किसी और टाइम पर जरूर ट्राई करें, सो दैट इट विल बिकम ईजी। है जरूर एसएससी इसको रिजोल्व जरूर करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ रही है विद्यार्थियों को। तो मैं जरूर आप लोगों से यही कहूंगा कि टेक योर टाइम, थोड़ा सा दूसरे टाइम पर उसे कैरी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सीपीओ में 2023-24 का क्या एक बार बता दो कि प्लीज सीपीओ में क्या क्या वैलिड होगा सर जी, एक बार ये बता दो प्लीज सीपीओ में ईडब्ल्यूएस 2023-24 का। हाँ देखो, कंप्लीट अगर है ना, तो वो जरूर वैलिडेशन पे होगा, और आप उसे फिर उसको कहीं ना कहीं अपडेट कर लेना ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो वो होता ही है, रिन्यू हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। 31 मार्च तक का रहता है ना डेट उसमें, तो अभी फॉर्म फिलिंग में तो आपका वही कैरी हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास होगा, लेकिन आप उसे रिन्यू जरूर करा लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर्म फिलिंग में अगर आपको आ रही हैं, तो परेशान मत होइए, ट्राई करते रहिए। मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों को ये लग रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर देखने मिली, एंड दिस इज द रीजन वाई आई कंडक्टेड दिस सेशन, कि हैव पेशेंस, आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई कीजिए, अपलोड होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। कई बार इंटरनेट एरर भी हो जाता है, उसकी वजह से लाइव फोटो कैप्चर में बहुत प्रॉब्लम आता है, तो इस चीज़ का आप लोग खास तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक बार आपको वेदिका अपडेट करता हूँ, दोनों में से कौन सा, वैसे सेंट्रल का रहता है बट स्टेट वाला भी कैरी होगा, तो एक बार मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ, ये वेंडर का जो इशू है दिमाग में आप लोगों के बन गया है कि सर वेंडर चेंज होगा तो क्या एग्जाम, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एग्जाम्स के नोटिफिकेशन हमारे सामने है, और वेंडर चेंज हो गया है तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, सिलेबस चेंज कुछ नहीं हुआ। हाँ, एसएससी ने पहले ही पिछले वर्ष ही हम लोगों को इस चीज़ पर अपडेट कर दिया था कि भाई वेंडर चेंज होना है। ठीक है, अब पहले एक वेंडर तीनों चीज़ें कंडक्ट कराता था, वही पेपर बनाता था, यानी क्वेश्चन सेट करना है ना, सारी की सारी चीज़ें, इवन लैब अरेंज करना, ये सारी चीज़ें उन पर उन्हीं पर रहती थी। अब क्या है, तीनों प्रोसेस के लिए अलग अलग सेगमेंट रहेगा, यानी अलग अलग वेंडर्स होंगे। तो ये तो देखो स्वाभाविक है, जब कोई नया वेंडर आता है ना, तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वो चेंज करना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब 2017 में मुझे याद है टीसीएस आया था, तो टीसीएस ने बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं ला दिया था, टीसीएस ने अच्छा काम किया और विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं फेवरेबल रहा। ठीक है, आपने देखा होगा 2017 से, और शायद 2000, ये मुझे लगता है अभी तक जो एसएससी ने टीसीएस के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, तो ऐसा कुछ पेपर वेपर लीक वीक का भी सेगमेंट ना के बराबर हमें सुनने मिला है। तो एक अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा समय रहा, उम्मीद है कि आने वाले वेंडर्स के साथ भी यही चीज रहेगी। तो आप बस परेशान मत हो, मेरा मेन मोटिव ये है आपको बताने का कि वेंडर चेंज हुआ कोई इशू नहीं है, हम अपनी पढ़ाई को सशक्त करेंगे, और इवन फ्रेशर्स को विशेषकर ध्यान देना है कि इन चीजों से परेशान मत हो। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो बाकी अच्छे से सारी चीजें कैरी करो, और अगर एरर ऐसा आ रहा है पेशेंस, चेंज करो, ट्राई करो, हो जाएगा, और आपका एग्जाम जो है सेम सेगमेंट पर रहेगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, है ना। क्या होगा, आप इसे सिलेक्शन पोस्ट और सीपीयू एग्जाम्स में कुछ नहीं, आपका एकदम वही प्रोसेस रहेगा स्मूथ एंड ऑल। ठीक है, और पैटर्न वही है, किसी डिफिकल्टी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कुछ अपडेट आएगा तो आई डेफिनेटली कम टू यू। तो
तो बाकी इंग्लिश के लिए मेरे साथ रोज सुबह 8 बजे आपको जुड़ना है, और 10 बजे इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल से लाइव फोटो अपलोड कैसे करें, एसएससी का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या फिर जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहां पर QR कोड आ जाएगा, स्कैन कर लेना, वो अपने आप आपको वहीं ले जाएगा, तो वहां से आप अपना लाइव फोटो वहां पर आसानी से कैरी कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। देखिए जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, इंग्लिश की जब भी बात आए परेशान मत होना, आपका भाई हमेशा आपके साथ है।